Okay guys, in this video we are going to discuss about theories of trans effect. The trans effect kya hota hai ye to apne discuss kar liya in our previous video, but in this video we will discuss the trans effect ki theories kya kya hai ki kiske base pe tha trans effect ko authenticity mili hai ya trans effect ko apan authentic kyu bol sakte hain. So theories of trans effect. तो इसमें फर्स्ट थ्योरी आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी. पोलराइजेशन थ्योरी नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन मीन्स इसमें कुछ चार्ज का कंट्रीब्यूशन होगा, प्लस पोलराइजेशन में पोलरिटी इंड्यूस होगी, पोलरिटी इंड्यूस हो सकती है. सो ये चीज अपने को इसके नाम से ही पता चलती है, राइट. सो अपन लेट्स कंसिडर द कॉम्प्लेक्स लाइक दिस, कि सेंटर में प्लेटिनम है और चार लिगेंड्स है, स्क्वायर कॉम्प्लेक्स है ये वाला, जिसमें चारों लिगेंड क्या है सेम है, लिगेंड्स क्या है सिमिलर लिगेंड है, सिमिलर या सिमिलर लिगेंड्स है. ओके सिमिलर लिगेंड्स है यानी कि चारों एक्स 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 लिगेंड्स है. ओके सो इस प्लेटिनम के ऊपर प्लस टू पॉजिटिव चार्ज है. अभी पॉजिटिव चार्ज क्या है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चारों लिगेंड के साथ डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो प्राइमरी जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है, प्लेटिनम के ऊपर प्लस टू है, वह एक डाइपोल इंड्यूस करता है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, डाइपोल तो इंड्यूस करेगा ही करेगा और चारों लिगेंड के साथ डाइपोल को इंड्यूस करेगा. बट चारों लिगेंड क्या है सेम है, सो इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज या इंड्यूस होगा, डाइपोल जो इंड्यूस होगा सेंट्रल मेटल आयन से चारों लिगेंड की तरफ, वो क्या करेंगे सेम होगा. और सेम होने की वजह से क्या होगा कि चारों डाइपोल इंड्यूस जो हो रहा है वो चारों लिगेंड आपस में दूसरे के डाइपोल को कैंसल कर देंगे. ओके जैसे प्लेटिनम सेंटर में है, अब यहाँ पे इधर भी एक्स है इधर भी एक्स, राइट. तो ये इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या डाइपोल जनरेट हुआ वो क्या हुआ, एक दूसरे से आपस में ट्रांस लिगेंड्स ने क्या कर दिया कैंसल कर दिया. सिमिलरली प्लेटिनम का इस लिगेंड के ऊपर भी कुछ डाइपोल इंड्यूस हुआ, इस लिगेंड के ऊपर भी डाइपोल इंड्यूस हुआ, बट दोनों क्या है सेम लिगेंड है. सेम लिगेंड होने की वजह से क्या ये भी क्या हो गया चार्ज इंड्यूस हो गया. फॉर एग्जांपल जैसे अपन ऐसे समझते हैं कि बेंजीन है, बेंजीन का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बेंजीन का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है. जीरो क्यों होता है क्योंकि वापस एक मिनट वापस बताता हूँ मैं इसको. ये कोई हाँ ये कोई सपोज बेंजीन है, तो बेंजीन में क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है इसका, डाइपोल मोमेंट जीरो होता है. डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों होता है, डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों होता है, जीरो इसलिए होता है क्योंकि इसके चारों तरफ देखो दोनों तरफ कार्बन कार्बन आएंगे या बोंड बोंड आ रहा है, सो दैट्स व्हाई इसका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या होता था जीरो हो जाता है. तो सिमिलरली इस केस में भी अगर कोई पी टी एक्स फोर कॉम्प्लेक्स है, पी टी एक्स फोर मतलब चारों लिगेंड इसके प्लेटिनम के चारों तरफ जो चारों लिगेंड है इस कार्बन कॉम्प्लेक्स में, वो चारों लिगेंड अगर सेम है तो उनका टोटल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है कैंसल हो जाता है. डाइपोल इज कैंसल्ड बाय ईच अदर, सो दिस डाइपोल इंड्यूस्ड बाय सेंट्रल मेटल आयन कैंसल ईच अदर एंड द रिजल्टिंग डाइपोल इज जीरो. सो नन ऑफ फोर लिगेंड शो ट्रांस इफेक्ट. तो इस केस में क्या होगा, कोई सर चार में से कोई भी लिगेंड क्या क्योंकि सारे सर सेम है, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट शो ट्रांस इफेक्ट. अब ऐसे ही अगर अपन ऐसे कॉम्प्लेक्स की बात करें जैसे कोई प्लेटिनम सेंट्रल में है, सेंटर में प्लेटिनम है, इधर सी एल है, इधर भी सी एल है, इधर भी सी एल है, और इधर कोई सपोज एक्स लिगेंड यानी कि सी एल से अलग है. ओके तो इस केस में डाइपोल मोमेंट अगर अपनी इफ यू टॉक अबाउट डाइपोल मोमेंट इन दिस पर्टिकुलर इन दिस केस, तो क्या होगा ये क्लोरीन है ये क्लोरीन है, तो ये तो डाइपोल मोमेंट इनका क्या हो जाएगा आपस में कैंसल हो जाएगा. बट इस केस में क्या होगा, इस केस में दोनों लिगेंड अलग अलग है, सो दैट्स व्हाई डाइपोल मोमेंट क्या होगा इस केस में कैंसल नहीं होगा. अगर डाइपोल मोमेंट कैंसल नहीं होगा तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जिसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर फास्ट होगी तेज होगी वो क्या करेगा प्लेटिनम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा या फिर चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा. जैसे क्या होगा एक बॉन्ड लेंथ तो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और दूसरी सामने वाली बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी. अगर जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों, बॉन्ड लेंथ
इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी, वीक होगी। और इस केस में क्या, इस साइड जब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा तो इट कैन बी इजिली ब्रोकन, ये बॉन्ड क्या इजिली ब्रेक हो पाएगा, टूट सकता है। सो दैट्स वाई इसके ट्रांस इफेक्ट, इसके सामने वाला ट्रांस लिगेंड है, ये लिगेंड इजिली रिप्लेस हो पाएगा। सो इन केस ऑफ PTX3L, इन सच केस प्राइमरी पॉजिटिवली चार्ज प्लेटिनम सेकंड इंड्यूसेस अ डाइपोल मोमेंट डायपोल इन ऑल फोर लिगेंड, ये चारों लिगेंड में डाइपोल करता है। 2x लिगेंड विच आर सिमिलर टू ट्रांस इन ईच अदर कैंसल द इफेक्ट ऑफ डाइपोल ऑफ ईच अदर, बट 2x एंड L लिगेंड ट्रांस टू ईच अदर बट नॉट सिमिलर टू ईच अदर कैन नॉट कैंसल द डाइपोल ऑफ ईच अदर। एज आई टोल्ड यू कि दोनों आपस में क्या अलग अलग लिगेंड है, तो अपने डाइपोल को कैंसल नहीं कर पाता। इसको अपन और अच्छी तरह समझते हैं, देखो इसमें ये प्लेटिनम में ये लिगेंड है, ये एक्स लिगेंड है, ये एक्स लिगेंड है, और ये भी एक्स लिगेंड, यानी कि तीन लिगेंड तो इसमें क्या हो गए, सेम हो गए तीन लिगेंड, बट फोर्थ लिगेंड इज डिफरेंट। सो ये एक्स है, इसके सामने वाला एक्स है, यानी कि दोनों आपस में ट्रांस पोजिशन पर अटैच है। तो दैट्स व्हाई प्लेटिनम जितना डाइपोल इंड्यूस करेगा इधर, उतना उतना उधर करेगा, तो यहाँ पे डाइपोल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट इन दिस केस क्या होगा, प्लेटिनम डाइपोल इधर भी इंड्यूस करेगा, इधर भी इंड्यूस करेगा, तो एक तरफ पे क्या होगा, कम होगा डाइपोल, और एक तरफ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। और बॉन्ड लेंथ जो होती है, आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ओके, यानी बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा और वीक हो जाएगा वो बॉन्ड। तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जो डाइपोल इंड्यूस हो रहा है वो इधर ज्यादा हो गया, इधर कम। सो दैट्स व्हाई, सो एक बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो गई और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन जाएगा ये वाला, बट ये जो बॉन्ड है ये क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से वीक हो जाएगा, और अगर वीक हुआ तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो पाएगा इसके कंपैरिजन में। तो दैट्स व्हाई इनकमिंग लिगेंड कहाँ अटैक करेगा, इसकी तरफ अटैक करेगा, ना कि इसकी तरफ। ओके, सो इस लिगेंड की क्या है, ये सामने क्या है, ट्रांस। सो दैट्स व्हाई ये ट्रांस लिगेंड विल बी रिप्लेस्ड हियर। ओके, सो इट इज इलेक्ट्रोपोलराइजेशन थ्योरी। अब इसको लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है जिसको आप इजीली समझ सकते हो कि सो द बॉन्ड एक्स पी टी एल बिकम्स पोलराइज्ड, बट सिंस एल इज लार्ज विच अट्रैक्ट्स पी टी टूवर्ड्स इटसेल्फ, ये जो क्या करता है लार्ज होता है, दैट्स व्हाई प्लेटिनम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या प्लेटिनम को अपनी, सपोज इसके ऊपर नेगेटिव आयन है और इसके ऊपर पॉजिटिव है, सो ये क्या करेगा, इजीली इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, जी शॉर्टर हो जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। So this is electropolarization theory for understanding of trans effect. Now we have to understand कि जो ये electrostatic polarization theory है वो उसके evidences क्या है, क्योंकि science तो evidence मांगती है कि आपको prove करना है कि जो electrostatic polarization theory है for understanding of trans effect, तो how can we prove it कि ये जो electrostatic polarization theory वो सही है या रॉन्ग, राइट है रॉन्ग है। तो इसको समझने के लिए कुछ एविडेंसेस है। सो एक्सपेरिमेंटली इट वाज फर्स्ट एविडेंस, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट द बॉन्ड लेंथ ऑफ पी टी सी एल ट्रांस टू पी टी एन एच थ्री इज लार्जर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ पी टी सी एल सिस टू पी टी एन एच थ्री एच श्योर इन फिगर। लाइक ये कोई कॉम्प्लेक्स है, देखो इसमें क्या है, ये जो दोनों बॉन्ड लेंथ है ये वाली और ये वाली बॉन्ड लेंथ है, ये दोनों सेम है 2.32 एंगस्ट्रॉम, जो एक्सरे स्टडीज करते हैं बॉन्ड लेंथ के लिए उस पे ये पाया गया, इट वाज फाउंड कि 2.32 एंगस्ट्रॉम पीटीसीएल ये वाली एंड पीटीसीएल ये वाली दोनों सेम है, बट जो बॉन्ड लेंथ ये वाली थी सीएल वाली इट वाज 2.35 एंगस्ट्रॉम। प्लेटिनम सीएल वाली बॉन्ड लेंथ क्या है, थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी, ये इंक्रीज क्यों हुई, इसका रीजन क्या हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो अमोनिया लिगेंड है ये लार्ज लिगेंड है, इसने प्लेटिनम को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया इसके चार्ज, बिकॉज ऑफ इट्स चार्ज, और क्लोराइड लिगेंड थोड़ा सा दूर होता गया, सो दैट्स व्हाई इसका 2.35 एंगस्ट्रॉम लाइक, बट इसको प्लेटिनम क्लोराइड की बॉन्ड लेंथ क्या है 2.3।
तो ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? क्लोराइड लिगेंड का अमोनिया से ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है। सो अब दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे तो ब्रोमीन कॉम्प्लेक्स है अमोनिया का, ब्रोमीन का भी ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है। सो दैट्स व्हाई अगर इस प्लेटिनम ब्रोमाइड ये वाली बॉन्ड लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ, क्योंकि दोनों तरफ ब्रोमीन ब्रोमीन लगे हुए हैं, दैट्स व्हाई 2.42 एंगस्ट्रॉम है। बट व्हेन इट वाज चेक्ड प्लेटिनम ब्रोमाइड विद रिस्पेक्ट टू NH3, विद रिस्पेक्ट मींस ट्रांस टू NH3, तो इट वाज फाउंड दैट इट इज 2.70 एंगस्ट्रॉम, यानी कि इट वाज लिटिल बिट लार्जर देन दिस बॉन्ड। ओके, सो इससे अपने को पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी जो है, जिसकी वजह से अपन समझ रहे हैं, अभी अभी अपन जस्ट वी डिस्कस्ड और वी अंडरस्टूड कि ये बॉन्ड लेंथ बड़ी कैसे हो जाती है, लार्ज कैसे हो जाती है। सो एक्सपेरिमेंटली भी इट वाज 2:1। सिमिलरली एविडेंस इज शोन इज अंडर फॉर अनदर कॉम्प्लेक्स, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है इथाइलिन कॉम्प्लेक्स है, इस केस में भी ये जो बॉन्ड लेंथ है इसके ट्रांस इथाइलिन की जो ट्रांस इफेक्ट ट्रांस है क्लोरिन, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये बॉन्ड लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ। सिमिलरली अगर इससे से हम ब्रोमाइड का कॉम्प्लेक्स लें तो प्लेटिनम ब्रोमाइड बॉन्ड लेंथ ट्रांस टू C2H4 इज ग्रेटर देन प्लेटिनम ब्रोमाइड बॉन्ड लेंथ ऑफ सेम, राइट। इसमें क्या हो रहा है कि C2H4 का ट्रांस इफेक्ट क्या है, क्लोरीन से ज्यादा है क्लोराइड से। ब्रोमाइड का भी ट्रांस इफेक्ट क्या है, ब्रोमाइड का ट्रांस इफेक्ट C2H4 से कम है। सो विद दीज एविडेंसेज वी कैन से यस, ट्रांस इफेक्ट की जो थ्योरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी, दैट इज राइट। नाउ व्हाट इज द लिमिट, सो देयर इज अ लिमिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी, लिमिटेशन क्या, सो इट कैन नॉट एक्सप्लेन हाई ट्रांस इफेक्ट ऑफ द पाई बॉन्डिंग लिगेंड सच एज PR3, CO, C2H4 एंड CN, इनका जो ट्रांस इफेक्ट होता है ये इसको समझा नहीं पाई, यानी कि न्यूट्रल समझ लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो भी अपन पढ़े हैं कि पोलराइजेशन थ्योरी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी है ना, पोलराइजेशन, क्योंकि इससे नाम से ही पता चल रहा है आपको कि इसमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा, लिगेंड के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज रहेगा। बट जब अपन न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं, न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से, जैसे CO हो गया, C2H4 हो गया, या फिर कुछ हाई ट्रांस इफेक्ट वाले जैसे साइनाइड हो गया, तो इनकी केस में ये क्या करती है, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो उसके लिए अपने को दूसरी थ्योरी के पास जाना पड़ता है, इन द सेंस वी हैव टू कंसीडर अनदर थ्योरी, दैट इज पाई बॉन्डिंग थ्योरी। सो लेट्स डिस्कस पाई बॉन्डिंग थ्योरी फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट। ओके, सो दिस इज द सेकंड थ्योरी फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट की पाई बॉन्डिंग थ्योरी, किसको समझाती है ये ट्रांस इफेक्ट को। जो चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करती है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। तो इसको अपन समझते हैं इस डायग्राम से। इस डायग्राम में देखो क्या है कि सपोज कोई न्यूट्रल लिगेंड है या कार्बोनिल लिगेंड है, ओके कार्बोनिल लिगेंड, इट इज ए स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड, राइट। सो ये क्या करता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कार्बोनिल लगा हुआ है, यहाँ पे कोई एक्स लिगेंड है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो ये दोनों तो आपस में डाइपोल डाइपोल कैंसिल हो गए, इनको तो कोई मैटर भी नहीं करता। सो कार्बोनिल लिगेंड क्या होता है, इसके पास पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं जो वेकेंट होते हैं, राइट। और मेटल आयन है उसके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो फिल्ड होते हैं, तो इससे इससे इन दोनों में ओवरलैपिंग होकर एक बोन बनता है, स्ट्रॉन्ग बोन बनता है, राइट। सो ये मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से क्या होता है कि कोई एंट्रिंग ग्रुप आ रहा है वाई, वो कहाँ से अटैक करेगा, ये इधर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरफ से अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड बनता है इसमें पाई बैक बॉन्डिंग भी होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और प्लेटिनम के इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर होते हैं, लिगेंड में ट्रांसफर होते हैं, दैट्स वाई क्या होता है ये इसके पास आता है। अगर ये इसके पास आता है ये ऑब्वियसली दूर चला जाएगा, अगर ये दूर चला जाएगा तो ये क्या होगा, वीकेंड बन जाएगा, बॉन्ड बॉन्ड वीकेंड होगा, तो एंट्रिंग ग्रुप यहीं से एंटर करेगा और ये एक्स क्या करेगा, लीव करेगा। तो ये सो दैट्स वाई जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल
के साथ अच्छी खासी बॉन्डिंग बना लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लेते हैं, या डी पाई बॉन्ड बना लेते हैं, या डी पाई पी पाई बॉन्ड बना लेते हैं। ओके, डी पाई बॉन्ड या फिर डी पाई पी पाई बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इधर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, प्लेटिनम इन लिगेंड के पास आ जाता है बैक बॉन्डिंग की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ से थोड़ा दूर हो जाता है, तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड लेंथ बनने से बॉन्ड वीक हो जाता है, बॉन्ड वीक होने की वजह से इजिली जो एंटरिंग लिगेंड होता है या ग्रुप होता है वो यहाँ पर अटैक करता है और ये ग्रुप को लीव करता है, लीव होना पड़ता है। तो दिस बॉन्ड बॉन्डिंग फॉर्मेशन इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एल एंड डिमिनिशेस इट्स डायरेक्शन ऑफ लिगेंड एट। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एल की तरफ बढ़ती है, जैसे प्लेटिनम इसकी तरफ खींचा चला आता है, बट एल की एक्स की तरफ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये दोनों आपस में क्या है, ट्रांसिट ट्रांसपोजिशन पर। Therefore, the PtX bond trans to L, we can, जो प्लेटिनम एक्स बॉन्ड होता है वो ट्रांस, जो ट्रांस टू प्लेटिनम एल, ये जो बॉन्ड होता है इसके अगेंस्ट ट्रांस पोजिशन पे ये बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। अब ये जो बॉन्ड वीक हो जाता है, ये वाला बॉन्ड क्यों वीक हो जाता है, क्योंकि लिगेंड और इधर वाला जो ट्रांस पोजीशन पर है उसके और इसके बीच में बैक बॉन्डिंग हुई है, डी पाई पी पाई बॉन्ड या डी पाई बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है और प्लेटिनम इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, जिससे बॉन्ड शॉर्टर हो जाता है, शॉर्टर होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बनता है, व्हाइल दिस बॉन्ड बिकम्स वीक है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ये पूरा पूरा गेम है। ओके, सो द वीकनिंग ऑफ पी टी एक्स बॉन्ड ट्रांस टू एल, ये वाला जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है, फैसिलिटेट्स द अप्रोच ऑफ इनकमिंग लिगेंड। अगर जो बॉन्ड वीक होगा, जो कमजोर निशान होता है उसी पर अटैक होता है, तो बॉन्ड जो वीक होगा उसी के ऊपर इनकमिंग लिगेंड क्या करेगा, अटैक करेगा और ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस करता है, और उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल वाइब्रियम। ट्रांजिशन स्टेट कब आती है, जब कोई सपोज इसमें कोई वाई लिगेंड है, आने के बाद क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट आती है। अब वो कैसे आती है, देखो ये जो है इसके ऊपर वाई अटैक कर रहा है, वाई अटैक यहाँ से अटैक कर रहा है, वाई अटैक, ये एक ट्रांजिशन स्टेट हो गई, बीच वाली स्टेट, ये पूरी ट्रांजिशन स्टेट हो गई। उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, क्योंकि फाइव कोऑर्डिनेटेड है, चार तो ऑलरेडी पहले थे, वाई लिगेंड एक्स्ट्रा आ गया, दैट्स व्हाई इट्स फाइव कोऑर्डिनेटेड एंड इट्स ज्योमेट्री वुड बी ट्राइगोनल वाई पिरामिडल। और उसके बाद वापस जो इन वीक लिगेंड होता है वो क्या करता है, लीव करता है और यहाँ पे आके वाई आपका एसोसिएट हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड दैट वीकेंड्स द मेटल लिगेंड बॉन्ड ट्रांस टू पाई बॉन्डिंग लिगेंड इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट इन C2H फॉर PtCl3 द PtCl बॉन्ड ट्रांस टू दिस इज स्लाइटली लार्जर देन दोस C's टू C2H फॉर Pt। यानी कि ये क्या कह रहा है कि ये जो अभी अपन ने समझा पाई बॉन्डिंग थ्योरी, जैसे ये प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स इसकी एक तरफ लिगेंड है एक्स, इधर भी लिगेंड है एक्स, इधर लिगेंड है सी टू एच फोर, इधर भी लिगेंड है एक्स। ओके, तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से प्लेटिनम इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और ये बॉन्ड शॉर्टर हो जाता है। सो इसके अगेंस्ट जो ट्रांस है, ये बॉन्ड क्या हो जाता है, इंक्रीज कर देती है बॉन्ड लेंथ, और जबकि ये जो दोनों बॉन्ड है, ये दोनों ऊपर एक्स एक्सिस है, इन दोनों को ये इंक्रीज नहीं कर पाता, बिकॉज ये सिस पोजिशन पर। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है, अगर इसको अपन आईआर के टर्म्स में और आईआर से अपन कंपेयर करें या एनालिसिस करें, तो PtCl4 या PtCl ट्रांस जो है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा लोअर होती है सिस फ्रीक्वेंसी से। यानी कि Pt, इसको समझ लेना, PtCl यहाँ पे भी सपोज Cl लगा हुआ है, यहाँ पे सपोज C2H4 लगा हुआ है। सो इसमें क्या होगा, अगर ये जो PtCl और ये PtCl सिस वाली है और एक ये ट्रांस वाली है C2H4 के कंपेयर में, ओके ये है ट्रांस वाली, राइट। तो अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका स्ट्रॉन्ग है, ये तो बॉन्ड वीक हो जाएगा बिकॉज ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्डिंग ऑफ प्लेटिनम और इथाइलिन मोलिक्यूल के, तो इसकी वजह से ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कम, और ये बॉन्ड लेंथ तो कम ही रहेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ज्यादा। तो सिस इज ऑलवेज, सिस हैज ऑलवेज हाई फ्रीक्वेंसी देन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देन ट्रांस। ओके, सो लोअर द फ्रीक्वेंसी मीन्स वीकर द
सो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.